क्या मैडम है? सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल लाइक पहली बार होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? कितना एक्साइटेड है और आपने क्या सोचा? बोलिए बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर लुकल आइक अवार्ड पहली बार होने जा रहा है, इनिशिएटिव आपने लिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? सही मानों में ये हम लुकल आइक लोगों की, जितने भी हमारे लुकल आइक भाई है, उन सब की आज ईद भी है, दिवाली भी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुड़ी पाड़वा का ये मतलब नया साल है, और इस अवसर पर हम कर रहे हैं, इसके लिए और भी ये एक बहुत अहम बात हो जाती है। और लुकल आइक भाई जो हमारे हैं, इनको आज तक के पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिला। मामूली जूनियर लोग जो पीछे रहते हैं पब्लिक में, मतलब शूटिंग में पीछे खड़े रहते हैं जो जूनियर आर्टिस्ट, उनकी भी संस्था है, हमारी कोई संस्था नहीं है। हम पर ये लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी है कम से कम 125 लोगों की क्वांटिटी है, तो इसमें अभी तक के किसी ने हमको अप्रिशिएट करते हैं, लोग काम लेते हैं, पैसा देते थे, उसके बाद में भूल जाते हैं, तारीफ भी करते हैं हमारे कला की, हमारे नेचर की, हमारी सारे बात की। तो बस ये चाहूँ आप आइए, आप ये आपा है मेरी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और कुमकुम भाग्य विविध, कुमकुम भाग्य की ये इंदू दादी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हम जो ये अवार्ड कर रहे हैं, तो ये मेरा अपना सपना था कि मेरे लुकल लाइक भाई की टैलेंट को मैं उजागर करूं, और कितने लोग हैं अभी तक आपको भी नहीं पता होगा, इट्स माय चैलेंज। आपको ये पता नहीं कि हमारे दुनिया में कितने लोग हैं, मतलब लुकल लाइक की दुनिया में कितने लोग हैं, ये किसी को पता नहीं। और मैंने इनको चुन चुन करके निकाला, छाट छाट करके निकाला इन सभी भाइयों को, और आज सबको पता चल जाएगा कि हमारे लोग भी किसी से कम नहीं है, और टैलेंट हमारे जितने भी कलाकार हैं उनका टैलेंट सामने आएगा, और ज़माना देखेगा, और उसके बाद अप्रिशिएट भी करेगा। और आप लोग आज, आप लोगों का जो एंटरटेनमेंट हम करने वाले हैं, मैं नहीं समझता कि इससे पहले आपका कोई एंटरटेनमेंट हुआ होगा। ये मेरा चैलेंज है आपको, आप जो बात बोल रहा हूँ उसको सर। अरे जूनियर भाई, भाई जोरदार ताली हो जाए जरा हमारे जूनियर भाई के लिए। और दोस्तों ये हमारे जूनियर की शुरुआत जो हुई है जूनियर भाई से हुई है, और मैं समझता हूँ कि इनको जहन में रखकर ही ये अवार्ड हो रहा है। मेरी ख्वाहिश थी कि जूनियर भाई को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले। इंडस्ट्री का दोगला पद तो आपको पता है, इंडस्ट्री ने क्या दिया है, चढ़ते सूरज को सब पूछते हैं, लेकिन जो जूनियर भाई ने काम किया इंडस्ट्री में आप सब जानते हैं, न्यू जनरेशन नहीं जानती थी, इसलिए मैंने उनको उजागर करने की कोशिश किया। जितने ऑटोग्राफ राजेश खन्ना साहब के लिए जाते थे, जितने फोटोग्राफ उनके साथ होते थे, उतने ही ऑटोग्राफ जूनियर भाई के साथ भी लिए जाते थे। आन मिलो सजना, उसके बाद में कितनी फिल्में भाई, ब्रह्मचारी, 265 फिल्में ब्रह्मचारी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदिरा गांधी जी की गोद में बैठा हुआ ये बच्चा है जो आज बड़ा हो गया। जोरदार ताली हो जाए भाई, थैंक यू। और सबसे बड़ी आप क्या कहना चाहोगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है, आरिफ भाई ने ये शो किया है, कितनी सम्मान की बात है जो कलाई लोगों के लिए। जी जी दरअसल